एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कैथरीन एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं क्विक व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट मेरे नानी के यहाँ पे। अभी इतना इंट्रो दे रही हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बाय लिबू, कहाँ जा रही है? चलो अंदर। अरे जेनी चल। दोनों अभी पहुंच चुके हैं एंड वी आर वेटिंग क्योंकि अभी बज रहा है 3:12 और हमारा फ्लाइट है 4:25 का। अभी बहुत टाइम है तो वी बोथ आर सिटिंग हियर। वो प्लास्टिक में लाई है ना, वो अलग फ्लाई थी, उसी की तलाश में रहती है। हम लोग रांची पहुंच चुके हैं एंड अभी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। बाहर जाके टैक्सी लेंगे क्योंकि मम्मा सरप्राइज़ देने वाली है। सरप्राइज़ मतलब वैसे सरप्राइज़ नहीं कि मैं आ रही हूँ इसीलिए, तो बाहर टैक्सी पकड़ के फिर वहाँ मिलती हूँ मैं। तो रांची में ऐसे ऑटो वाले आते हैं, मतलब ऐसे येलो एंड ग्रीन कलर का ऑटो होता है, तो मम्मा यही की है, तो मम्मा को बार्गेनिंग करना आता है। क्या? नहीं, हमारा बात चल रहा है, यू कैन कीप क्वाइट। हम बोल रही है क्या, मेरे बारे में क्या बात कर रही है? कभी मम्मा ने वहाँ पे बोला है कि नहीं, सिर्फ मैं अकेले आ रही हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ। मौसी को शक तो है, पर लेट्स सी। ये देखकर तो पूरा गांव का याद आता ही है। आ गए, ये मेरे मौसी का प्लेस है एंड मैं घर जाके व्लॉग को दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा है। यहाँ पे तो रात हो भी गया है, सो लेट्स गो। मैं पहुँच गई हूँ और फ्रेश होके फिर व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। आओ और लाइट बंद हो जाए, दैट इज़ कंपलसरी। और यहाँ पे भी आके लाइट बंद हो चुका है। इट्स अ गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। और मैं और मम्मा ब्रश भूल गए हैं, तभी हम लोग जा रहे हैं दुकान सुबह सुबह। सब चेंज हो गया है यार गाँव का। मम्मा पीछे है, तभी हम दोनों जा रहे हैं। उसके बाद ऐसे कहीं जाओ और कोई मिले नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मम्मी हर स्टॉप में किसी न किसी को मिल रही है, कहाँ गई सी। अभी मम्मी के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, मेरे को ब्रश करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार। सिर्फ 9:16 हो रहा है और इधर इतना अच्छा धूप है। इधर रात भी जल्दी हो जाता है, सुबह भी जल्दी हो जाता है, कुछ अलग ही है यहाँ का। ओके, सो अभी ब्रश वगैरह करके हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम चाय, फिर उसके बाद को व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग शायद कहीं जाएंगे, शायद, गारंटी नहीं दे रही हूँ। तो सो मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग शायद बाहर जाने वाले, इसीलिए मम्मा ने बोला कि तू रेडी हो जा, वी विल गो। मैं इतनी गोरी क्यों दिख रही हूँ? तो लेट्स गो। मम्मा नाना नानी के इधर है इसलिए मुझे पहले वहाँ जाके मम्मी को लेकर आना है, क्योंकि वहाँ मम्मी बैठ गई ना बात करने तो फिर हिलेगी नहीं। तो अभी जाते हैं और मम्मी को पकड़ के लेकर आते हैं। मम्मी को यहाँ से लेके नहीं जा पाई क्योंकि देखो, मेनली हम लोग नानी के हेल्थ के लिए ही आए थे, तो अभी उनका हेल्थ ठीक है पर वो वॉक नहीं कर पाते, तो उन्हें मम्मा स्पंज बात करा रही है। तो वो होने के बाद उनका हेयर वेयर बनाएंगे, फिर मम्मा आ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे चपाती एंड भाजी, फिर देखते। तब अभी तक तो मम्मी आई नहीं है, मम्मी आएगी तो वी विल सी, क्योंकि मम्मी अभी तक रेडी भी नहीं हुई, आने के बाद रेडी होगी, तो तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो फिर कब से बैठी हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। बेबी दीदी सब लोग अंदर है ना, दे विल कम, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। मम्मा भी आ चुकी है। फाइनली वी आर गोइंग, और इसको जज मत करना, ये धूप रहता है इसलिए पहनना पड़ता है। सो लेट्स गो। Finally we reached here.
वीक वीक के अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी देखते थोड़ा अंदर टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद जब रिटर्न होंगे तब मैं ट्राई करूँगी और सीनियरी दिखाने का। सो बाय। हम लोग वापस आ चुके हैं, हम पूरा भीग गए थे इसीलिए मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया है। तो अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कैथरीन बारला। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ ऑल्सो कैथरीन बारला। बाय।